हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ एसएससी सीपीओ के मैथ्स के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जहाँ से कि आपको एसएससी सीपीओ में क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। इसमें जो मैं आपको 15 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ये आपका रैंडमली सिलेक्टेड होगा, मतलब किसी भी टॉपिक के मैथ्स से हो सकते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं पिछले ईयर में बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं, इस कारण मैंने ये सारे क्वेश्चंस लाया है। बिकॉज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके 80-90% रिपीटेड ही होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो सीपीओ में भी आपके रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बस आपको नंबर्स का चेंजिंग रहता है, बस मेथड आपको सेम ही रहेगा, थोड़ा सा नंबर को चेंज कर दिया और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का मैथ्स का पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो है आपका एसएससी सीपीओ 2016 में प्रीवियस ईयर में यानी कि 2016 में पूछा जा चुका है। और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कह रहे 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है। इस तरीके की क्वेश्चंस जो है आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। हमने कई बार इसको आपको बताया भी है। कह रहे 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को इन द टाइम हम चाहें कि बहुत ही जल्दी बना लें, ताकि इसके समय हम दूसरे टफ टफ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में लगा सकें। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसमें बिना टाइम लगाए, मैं तो जैसे ही क्वेश्चन देखूंगी इसके आंसर्स लिख सकती हूँ, कैसे वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। कह रहा है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे वस्तु दे रखा है, बट लाभ या हानि तो रुपीज में होते हैं। तो हमने इस वस्तु को जो है अगर आपको विक्रय मूल्य के बराबर दे के रखा है कि 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसे आप मान लो कि ये हमारा क्रय मूल्य है। तो हमने मान लिया कि हमारा क्रय मूल्य है 15, और जो आपको दे के रखा है क्रय मूल्य के साथ उसे हम मान लेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा हो गया कितना, तो 10। अब हम बात कर लेते हैं लाभ या हानि प्रतिशत। तो 15 रुपये में खरीदा और 10 रुपये में बेचा, तो हमें ऑब्वियसली लॉस हुई। कितने की लाभ हुई, लॉस हुई, तो 5 रुपीज़ की। अब परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई लॉस या प्रॉफिट हमेशा जो होता है क्रय मूल्य पे ही जाता है, तो 5 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया इस तरीके से। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 3 टाइम्स, तो 100 डिवाइडेड बाई 3 यानी 33.3%। ये आपका 33.3% का लॉस हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला गया। नेक्स्ट इसी तरीके से जो आपका क्वेश्चन है, ये जो है आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी सीपीओ 2016 में आपको पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये जो आपके 15 क्वेश्चन है, इसमें किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी राशि का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में संचित राशि 2400 रुपये हो जाती है, तो मूलधन कितना है। करे कोई राशि है हमारे पास जिसपे हम पर ईयर 10% चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं, तो 2 वर्षों में वह जो राशि है 2420 रुपीज़ हो रही है, तो मूलधन कितना है। बनाने के 2 तरीके, एक तो फॉर्मूले मेथड, बट एग्ज़ाम में फॉर्मूले के भूलनेस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले मेथड नहीं देख रहे हैं। हम इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर मूलधन ना दिया गया है तो हम मूलधन मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि 1000 रुपये की राशि थी, 1000 रुपये की राशि थी हमारे पास, जिस पे कि हमने 2 बार इंटरेस्ट लगाया 10% का। तो फर्स्ट ईयर में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, वो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमने 1000 का 10% लिख दिया, तो 10। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट में आपको क्या करना है कि 100 का 10% लिख देना है, तो वो आपका 10 हो गया। एंड 2 ईयर्स के लिए आपका एक रेशियो होता है 2:1, ये रेशियो आपका क्या निकालता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता है। तो 2:1, और अब क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर का जो हमने इंटरेस्ट निकाला 100, इसे 2 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 2 × 100 + 1 × 10। अगर आप हमारे पहले के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर जिन्हें नहीं समझ में आ रही है, वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसके सारे वीडियोज़ को देख ले, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये हमारा हो गया 200 + 10। ऐसा करने से हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 210 यूनिट का। अब हमसे बात कर रहा है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की, नहीं अमाउंट की, तो हम इसे अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट क्या होगा,
तो मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट तो 1,210 यूनिट। बट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अमाउंट है 2,420 रुपए का, यानी 1,210 यूनिट आपके बराबर है किसके, तो 2,420 रुपए के। तो हमसे पूछ रहा है मूलधन, मूलधन को हमने माना था 1,000 यूनिट, तो 1,000 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2,420 मल्टीप्लाई बाई आपका 1,000 डिवाइडेड बाई हमारा चल जाएगा 1,210 के साथ। ये आपका 2 टाइम्स में कैंसल, तो हमारे पास मूलधन आपका आ गया कितना, तो 2,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। टाइम एंड वर्क का सबसे सिंपल जो क्वेश्चन होता है आपको इसी तरीके का होता है, और सीपीयू में आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कह रहा है कि ए जो है कोई काम करता है 12 दिन में, बी करता है उसी काम को 24 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया, और टाइम एंड वर्क का सबसे पहला फंडा कि आप एलसीएम ले लो, हमने एलसीएम लिया तो 12 एंड 24 का एलसीएम हो गया 24। अब हम इसे एलिगेट करेंगे, एलिगेट में आपको सब्ट्रैक्ट नहीं डिवाइड करना है, तो 24 डिवाइडेड बाई 12 2, 24 डिवाइडेड बाई 24 1। अब ये 24 होता क्या है, तो इसे हम मान लेते हैं कि हमें टोटल वर्क करने थे 24 यूनिट, एंड 2 एंड 1 जो निकलता है उसे हम मानते हैं इफिशियंसी, यानी कि एक दिन में जो है ए 2 यूनिट वर्क करता है और बी 1 यूनिट, जबकि टोटल करने हैं 24 यूनिट, तो कितना समय लगेगा, तो 24 यूनिट डिवाइडेड बाई जितना ये दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे, तो ए करता है 2 यूनिट, बी करता है 1 यूनिट, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट करेंगे, तो 24 डिवाइडेड बाई 3, यानी 8 दिन में आपका काम खत्म कर देंगे दोनों मिलकर, आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे दो नल एक बाल्टी को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, ये आपका पाइप टंकी का क्वेश्चन होता है। कह रहे दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और 5 मिनट बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है, बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए, यहाँ पे सॉरी आपका भरने के लिए पहले नल द्वारा कितना समय लगेगा। कह रहे दो नल हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी आपको टाइम एंड वर्क जैसा ही रूल लगता है, दो नल हैं, एक नल 20 मिनट में भरता है और दूसरा भरता है 25 मिनट में। तो सबसे पहले हमने बोला टाइम एंड वर्क का फंडा कि आप एलसीएम ले लो, तो 20 एंड 25 का एलसीएम आपका हो गया 100। अब हमें करना है एलिगेट 100 डिवाइडेड बाई 25, 100 डिवाइडेड बाई 25 4। अब जैसा कि 100 ये हमारा टोटल वर्क हो गया 100 यूनिट, एंड 5 एंड 4 इफिशियंसी की, ए जो है एक मिनट में 5 यूनिट करेगा, बी एक मिनट में 4 यूनिट करेगा। कह रहे दोनों नल को एक साथ खोलते हैं और 5 मिनट तक दोनों नल को चलाते हैं, उसके बाद दूसरे नल को बंद कर देते हैं, तो 5 मिनट तक तो दोनों नल चला, तो अगर एक मिनट में दोनों नल भरता है 9 यूनिट, 5 4 9 यूनिट, तो 5 मिनट में तो दोनों नल ने भर दिया हमारे पास 9 5 45 यूनिट। अब जब 45 यूनिट भर दिया और टोटल भरने थे 100 यूनिट, तो हमने बच गए 55 यूनिट। अब ये 55 यूनिट जो है पहला नल को भरना है, तो पहला नल जो है एक मिनट में 5 यूनिट भरता है, तो उसे कितना समय लगेगा इस नल को भर, इस बाल्टी को भरने, तो 55 डिवाइडेड बाई 5 यानी 11 मिनट्स। बाकी शुरू के तो आपके हो गए 5 मिनट्स, बट आपसे पूछ रहा है शेष भाग को भरने के लिए, तो शेष भाग को भरने के लिए उसे 11 मिनट लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में 20 सेकेंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए कि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो डिस्टेंस रेलगाड़ी को कवर करने पड़ते हैं वो कितना करना पड़ता है, तो रेलगाड़ी का डिस्टेंस यानी 150 मीटर प्लस 450 मीटर प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस भी, यानी टोटल डिस्टेंस उसे कवर करने पड़ रहे हैं 0 5 5 10 600 मीटर, और कह रहा है 20 सेकेंड का समय ले रहा है, तो स्पीड पूछ रहा है। स्पीड इक्वल टू हमारा होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यानी 600 डिवाइडेड बाई 20, तो हमारा आ गया कितना, तो 30 मीटर पर सेकेंड। बट आपको क्वेश्चन कह रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 30 इंटू 18 बाई 5,
ये हमारा सिक्स टाइम यानी 108 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा। आपका किसके साथ चला गया? तो यह ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है इतने का सम निकालो 1, 2, 3, 4 से लेके 1000 तक। बहुत ही सिंपल है, हम जानते हैं सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। इसी चीज़ को हम यहाँ पे कर लेंगे तो 1000 इंटू 1000 प्लस वन यानी 1001 डिवाइडेड बाई टू, ये हमारा 500 हो गया। तो हमारा टोटली आंसर कितना आ गया, तो 500 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हमारा एलजेब्रा का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि a बाई वी इक्वल टू 1/2 देन 2a माइनस 5b डिवाइडेड बाई 5a प्लस 3b। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आए a बाई बी इक्वल टू 1/2, हमें x वेक्स कुछ नहीं मान लेना है, हमें मानना है कि a जो है 1 है और b 2 है। आपको ध्यान रखना है सारे ए बी जो है बस एक ही में रहे, अगर स्क्वायर रहे तो सारे में स्क्वायर, अगर क्यूब रहे तो सारे में क्यूब, अगर सिंपली 1 पावर है तो सारे में 1 पावर। अब ए की वैल्यू जैसे ही हम मान लेते हैं 1, तो हमारा क्वेश्चन है 2a माइनस 5b डिवाइडेड बाई आपका 5a प्लस 3b, ये आपका 5 है, 5a प्लस 3b, तो 2a माइनस 5b। तो a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 2, माइनस b की वैल्यू 2 तो 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 5 प्लस 3 इंटू 2 6, तो ये हमारा हो गया माइनस 8/11 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर c के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका रेशियो एंड रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसे कर सकते हैं। कह रहे 561 रुपये की धनराशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभक्त किया जाना है ताकि ए को बी से 120 रुपये अधिक तथा सी से 120 रुपये कम मिले, तो बी का भाग क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि बी का भाग है 100 रुपये, तो ए का भाग कितना होगा। कह रहे ए को बी से 120 रुपये अधिक चाहिए यानी एक्स प्लस 120, और ए को जो है सी से 120 रुपये कम मिलने चाहिए, तो हम कह सकते हैं सी को ए से 120 रुपये ज़्यादा मिलने चाहिए। तो ये आपका हो गया एक्स प्लस 120 प्लस 120 यानी 240। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो 3x प्लस 360 इक्वल हो जाएगा 561 के। तो 3x इक्वल टू आपका हो गया कितना 102, तो x की वैल्यू आ गई कितना 6, 3, 18, 7, 21 यानी b का भाग हो गया 67 रुपीज, ऑप्शन नंबर c। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परसेंटेज से रिलेटेड है। कह रहा है खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी कर देती है, तो खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जैसे ही इस तरीके के क्वेश्चन आए हम बहुत ही सिंपल कर लेंगे, 25% की वृद्धि होती है और उसे उपभोग में 20% की कमी करनी पड़ती है यानी 25 - 20 - 25 × 20 / 100। 20, 25, 100 एंड ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया एंड ये हमारा 5 बच गया। 5 - 5% यानी कि 0% ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ये आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। कह रहा है यदि संख्या 48327*8 संख्या 11 से विभाजित हो तो लुप्त संख्या क्या होगा। आपको बात कर रहा है 48327 एंड यहाँ पे मिसिंग है, इसे हमने x मान लिया 8, 11 से विभाजित कर रहा है। तो आप जानते हैं 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि एकक छोड़ के पहले आप ऐड करो, तो हमने ऐड कर दिया 8, 7, 3 एंड 4 को, तो 4, 3, 7, 7, 14, 14, 8, 22, फिर एकक छोड़ के जो बचा उसे ऐड कर लिया। तो यहाँ पे ऐड करके आपको प्लस नहीं बल्कि डिवाइड कर लेना है, तो इसे आप डिवाइड कर लोगे, अगर सॉरी डिवाइड नहीं हमें माइनस करना है, तो 22 माइनस हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, तो 8, 2 एंड x यानी 8, 2, 10 x। अब ये जो माइनस करके आए या तो 11 का कोई डिविजिबल आए या फिर 0 आए, तो जब भी हम माइनस करेंगे 22 में हम 10 + x है तो ये हमारा माइनस हो गया। तो अब हम इसमें क्या माइनस कर सकते हैं, अब हमारे पास बच गया 12 - x, 12 - x बचा, तो 12 में हम 1 घटा देंगे तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा यानी x की वैल्यू हो गई 1 यानी ऑप्शन नंबर b के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहे वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए वह क्या है। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है जिसमें अगर हम 5 जोड़े तो ये सारे से डिविजिबल हो जाए, तो इन सारों से डिविजिबल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो 24, 32, 36 एंड 54 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप इसका एलसीएम लोगे तो ये हमारा आ जाएगा 864। कर रहा है इसमें 5 वह संख्या निकालनी है जिसमें 5 जोड़ने पर ऐसा हो कि वो इतने सारे से डिविजिबल हो, तो हम इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 859, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, आपको इन सारे की वैल्यू पूछ रही है। तो सबसे पहले हमें डेसिमल देख के डर लगता है, तो हम डेसिमल सारे को हटा देंगे बिकॉज यहाँ भी सेम नंबर्स पे डेसिमल है, यहाँ भी एंड यहाँ भी। अब आप देखो 16 2 32, फिर अगर हम देखें तो 2 2 4 कैंसिल हो गया एंड 2 2 4 एक और कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गए 1/4 एंड 1/4 को हम कहते हैं 0.25, आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ डी के साथ चला गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इसे मैं आपको अच्छे तरीके से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से कह रहा है कि __√12 + √12 + √12 + ……… की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी होते हैं तो आपको यहाँ पे करना क्या होता है, एक तो बड़ा मेथड है, मैं यहाँ पे आपको सिंपली मेथड से बता रही हूँ ताकि एग्जाम में आपको अच्छे तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप 12 का एक नज़दीक का फैक्टर खोजो, तो ये जो ऐसा फैक्टर जो एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस बनाती हो, तो 4 और 3 ऐसा फैक्टर अब मुझे मिल गई है। तो आपको करना क्या है कि 4 अगर बीच में प्लस दे के रखा है, जैसे यहाँ प्लस है, तो जैसे ही बीच में प्लस हो तो बड़ी संख्या, अगर बीच में माइनस होता तो छोटी संख्या 3 हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज से कर है, 5 संख्याओं का औसत 7 है, यदि 3 नई संख्या जोड़ते हैं तो औसत 8.5 हो जाता है, तो उन तीनों नई संख्याओं का औसत, बहुत ही सिंपल है, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 7 है, 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, हमसे पूछ रहा है 3 संख्याओं का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 8.5 हमने लिख दिया, इसे हमने बेहतर तरीके से आपको एवरेज के वीडियोस में बता दिया था। तो 8.5 में से 7 घटाएंगे अगर तो 1.5 हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखो 8.5 से 7 छोटा है तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, कितना छोटा है तो 1.5, कितनी संख्याओं के लिए, तो 5 संख्याओं के लिए, डिवाइडेड बाई हमें निकालना है 3 संख्याओं का, तो ये 0.5। तो अब हमारे पास हो गए 8.5 + 2.5 यानी कि 11, आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला गया। इसे आप बड़ा से भी बना के देख सकते हो, आपको सेम ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा आखिरी क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, कह रहे हैं 10 7° × 10 23° × 10 60° × 10 67° × 10 83 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 10θ × यहाँ पे मैं आपको पता क्या होना चाहिए कि 10θ अगर आपसे रहे 10θ यहाँ पे 10θ × 10 90 − θ जो होता है हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब यहाँ पे हम देखें तो 10θ है 7 एंड ये है 10 90 − θ, इन दोनों की वैल्यू 1। उसी तरीके से 10 23 × 10 67 की वैल्यू 1। अब हमारे पास सिर्फ बच रहा है 10 60 जिसकी वैल्यू होती है √3, तो आपका आंसर चला जाएगा √3 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।